किनार हरिद्वार मार्ग पर माला नदी रपटे पर नहाने गए युवक नहाते नहाते अचानक नदी में डूब गए। युवक के नदी में डूबने पर क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। उधर सूचना मिलने पर मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंच गई। आपको बता दें कि नदी में डूबे तीनों युवकों में से मौके पर मौजूद ग्रामीणों द्वारा दो युवकों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक युवक नदी के तेज पानी में बह गया। काफी तलाश करने के बाद भी जब उसका पता नहीं लग पाया तो बाद में गोताखोरों को बुलाया गया, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद नदी में डूबे युवक आसिफ की लाश को किसी तरह से बाहर निकाला। घंटों तक पानी के अंदर डूबे रहने से आसिफ की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। उधर गोताखोरों का कहना है कि बड़ी मेहनत करके डूबे हुए युवक की लाश को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन वह मृत अवस्था में पाया गया। ये कुछ लड़के यहाँ पे नहाने आए थे, इसलिए डूब गया था। हमें पता चला कुछ हम बचाने के लिए आ गए यहाँ पे, ढूंढने के लिए। ये तीन लड़के आए थे यहाँ पे नहाने के लिए या कुछ भी करने आए हो, तो एक इनमें से पानी में रह गया, ठीक है। उसके बाद में हमें पता चला, हम लोग आए यहाँ पे, तो हमने आके निकाला पानी से। कैसे निकाला? नकडूबी मार के निकाला, गोता मार के। कैसे पता लगा कि यहाँ पर? कैसे पता, अंदाजा लगा लेते हैं कुछ हम लोग। अच्छा, तो किस अवस्था में मिला लड़का? वही लगभग 12 के टाइम। अवस्था किस हालत में है? 3-4 घंटे में मिला है। किस हालत में है लड़का? जो वे तो डेट हो गई उसकी। तो आपने लाश निकाल दी है? जी।